बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं दाल। तो हमको 1 कप चाहिए चने की दाल, 2 कप चने की दाल, 1/2 कप मूंग की दाल, 1/2 कप मसूर की दाल। मसूर की दाल और धो लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 ग्रीन टमाटर कटा हुआ, 1 लाल टमाटर कटा हुआ, 1 हलापीनियो कटा हुआ और अदरक के छोटे छोटे हमने टुकड़े करे। हमने लिया है यहाँ पर जीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने लिया है नमक, रेड चिली पेपर 3 से 4, 1 हमने बे लीफ लिया है इसका आधा टुकड़ा और हमने 1 सिनेमन स्टिक लिया उसकी भी छोटी टुकड़ी। यहाँ पर हमने लिए आधी चम्मच टर्मरिक, 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग और 10 से 12 ब्लैक पेपर होल और नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारे 3 गिलास पानी डाल दिए दाल के अंदर। अब हमारी ज़ीरा, लाल मिर्च, बे लीफ और टर्मरिक इलायची सब डाल रहे हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं हमारी टमाटर। यहाँ पर से सिर्फ थोड़ा सा फोम हटा दें। एक कप हमने डाला है और जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 4 से 5, लौंग 3, 1 बड़ी इलायची, हल्दी 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, सिनेमन टुकड़ी और 2 इलायची और बे लीव्स। हमारे को चाहिए प्याज मीडियम साइज, टमाटर 3, 2 लाल टमाटर, 1 ग्रीन टमाटर और अदरक लहसुन 2 टमाटर। इन सबको डाल के हम मिक्स करके चूल्हे पर रखते हैं। और हमने यहाँ पर लिया हड्डी वाला गोश्त जो कि 2 पाउंड है, जो दाल के अंदर चलेगा। चूल्हे पर ये हमारी दाल की प्रोग्रेस है। आधे घंटे बाद हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है, हमारी दाल में रंग भी आ चुका है। अब ये देख लें, ये पूरी दाल हमारी बन चुकी है। तो ये दाल बन चुकी है, अब इसको चूल्हा बंद करके 10 से 15 मिनट इसको रख दें ठंडा होने के लिए और फिर ठंडा होने के बाद हम आपको मिलते हैं। ये हमारी दाल का गोश है जो हमने रखा है, बन चुका है, हमने बना। यहाँ पर हमारी दाल हमने निकाल ली है थोड़ी सी प्याली में ताकि हम ऊपर डाल सकें। अब ये दाल जो है हम पीसेंगे। हमने साथ में यहाँ पर जो हमारी सिनेमन स्टिक थी और इलायची थी वो भी हमने निकाली ताकि वो मुंह में नहीं है। अब ये ब्लेंडर में जाएंगी और हम इसको पीसेंगे। हमारी दाल हमने पीस लिया। ये हमारी दाल है और हमारी दाल तुम तो खाया। अब हमारा गोश्त यहाँ पे तैयार है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब इसको हिला लें। अब हमारा सालन यहाँ पर भून चुका है। अब हम ये जो है हम डालेंगे मेरी दाल में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डाल ली है हमारा सालन हम दाल में, हमारी दाल भी पीस चुकी है। अब हमारी दाल के अंदर हम डालेंगे मिंट, फिर हम डालेंगे हमारी हरी मिर्ची, 2 आमचूर, 3 आमचूर और हमारे सिलेंट्रो। अब इसको आप लोग हिला लें। हिला के हमारी दाल ये पक चुकी है।
20 मिनट के लिए रख देंगे हम इसको। यहाँ पर हमारी दाल तैयार है 20 से 25 मिनट के बाद। यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार है, हमारी दाल भी तैयार है, हमने थोड़ा सा धनिया डाला है गार्निश के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आप लोग दबा दें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।